विंड ब्रेकर की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साकुरा को एज अ ग्रेट कैप्टन चूज किया जाता है उसी की क्लास का। एंड उसी वीडियो के लास्ट में हमें ये भी पता चलता है कि एनजाई जो उन्हीं की क्लास का बच्चा है वो बहुत परेशानी में चल रहा है एंड अब उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा साकुरा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आराम से ये वीडियो देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि आप लोग हो जिनसे हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। की स्टार्टिंग में हम साकुरा और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो टाउन की पेट्रोलिंग पर निकले हुए हैं। वहीं उन्हें चलते चलते सामने से तीन लौंडे दिखते हैं जिन्होंने हुड पहन रखा है और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं वहां पर। तभी साकुरा उनसे कहता है, क्या तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो, हम हेल्प करेगा तुम्हारी। वही उन तीनों में से एक हंसते हुए बोलता है, हे क्या ग्रेट टाइमिंग है, हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, बट स्पेसिफिकली तुम में से कोई नहीं है वो, चलो मिलते हैं बाद में। ये बोलकर वो लोग मुड़कर जाने लगते हैं कि तभी सुओ और निरे उनके हुडी के पीछे वाले सिंबल को देखकर कहते हैं, ये तो कील वाले हैं। जिस पर साकुरा कहता है, ये कील क्या है। तभी सुओ आगे बताता है, मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता है बट इन लोगों का कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, हालांकि इनकी टीम के लोग बहुत बुरे हैं रूमर्स के हिसाब से। फिर टाइगर और मित्सुकी भी कहते हैं, ये लोग हमें क्यों ढूंढ रहे थे, और ऊपर से इनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग फ्यूरिन में से ही किसी को ढूंढ रहे थे। वहीं तभी अचानक से उनके बगल से एक आंटी चिल्लाती है, हे भगवान क्या तुम ठीक हो बेटा। वहीं वो लोग वहां जाकर देखते हैं और उन्हें एनजाई पीटा हुआ और बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग अब एनजाई को उठाने की कोशिश करते हैं और वो उठ भी जाता है, जिससे वो लोग को थोड़ी शांति मिलती है। अब वो आंटी उन सबको अपने शॉप पर बैठाती है और वहां पर एनजाई उन सबसे कहता है कि उसके पीछे एक भालू जैसा कुत्ता पड़ गया था और उसी की वजह से वो वहां पर छुप कर बैठा हुआ था और ज्यादा देर छुपने की वजह से उसे वहां पर नींद भी आ गई। ये सुनने के बाद साकुरा कहता है, अगर तुम हमसे झूठ बोलने का ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ऐसा झूठ बोलना चाहिए जो विश्वास करने लायक हो। इस बात पर सु और निरे भी एग्री करते हैं, पर तब भी एनजाई वहां से बहाना मार कर जाने ही लगता है कि सु उससे पूछता है, क्या तुम्हारे और कील के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। जिस पर एनजाई घबरा कर मुड़ते हुए कहता है, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, अच्छा तुम्हारा मतलब है मेरी हील से, चिंता मत करो ये ठीक हो जाएगी। ये बोलकर एनजाई वहां से कट लेता है। ये चीज उन्हें बहुत खटकती है। तभी टाइगा सुओ से पूछता है कि उसे कैसे पता लगा कि एनजाई कील के साथ इन्वॉल्वड है, जिस पर सुओ कहता है, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट बेस्ड ऑन जैसे कील आज हमसे टकराई और उसी के बाद एनजाई हमें ऐसी हालत में पड़ा मिला, सो इससे बस मैंने सोचा कि शायद कोई कनेक्शन हो इनका आपस में और मुझे लगता है कि मेरा सोचना सही है। तभी निरई पैनिक होकर कहता है, साकुरा हमें अब क्या करना चाहिए, अगर सुओ सही निकला तो इसका मतलब कील ही है जिसने एनजाई को चोट पहुंचाई है, सो अब हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हमारा क्लासमेट किसी ट्रबल में है। साकुरा बोलता है, अबे रुक तो एक सेकंड भाई, चलो माना कि वो इन्वॉल्वड है कील के साथ और तब भी उसने हमसे कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि उसके खुद के कुछ और प्लान्स होंगे इस चीज को डील करने के लिए। हमें तो ये तक भी नहीं पता कि उसे हमारी हेल्प चाहिएगी भी नहीं। हर किसी के पास एक या दो सीक्रेट्स होते हैं जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करते। निरे फिर से वापस कहता है, चलो माना ये सब सही है पर तब भी वो हमारा दोस्त है हमारी ही क्लास का और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर साकुरा को तभी उमेमे की बात याद आती है सबकी हेल्प करने वाली, वो वहां से उठकर बाहर चले जाता है। तभी यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होकर एक पार्क पर आता है जहां पर एनजाई एक लड़की से बात कर रहा होता है। वो लड़की उसको देखकर उसकी हालत पूछती है और एनजाई उससे कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। फिर लड़की दोबारा बोलते हुए एक नगाटो नाम के लड़के के बारे में उससे पूछती है, जिस पर वो कहता है, मुझे माफ करना मैं नगाटो को वापस नहीं ला पाया, वो टीम बहुत डेंजरस है, इस रेट पर तो नगाटो का भी वापस ही नहीं आ पाएगा। लड़की दोबारा घबरा कर कहती है, मुझे पता था क्यों ना तुम फ्यूरिन से हेल्प मांगो। ये सुनते ही एनजाई एकदम से खड़ा होकर कहता है, नहीं हम ये नहीं कर सकते, मुझे माफ करना, फ्यूरिन नहीं बोफ्यूरिन एक ऐसी टीम है जो इस टाउन के लोगों की रक्षा करती है, मैं उन्हें अपने पर्सनल काम में नहीं फंसा सकता। फिर लड़की एकदम से दोबारा कहती है, देन फाइन नेक्स्ट टाइम मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। इस पर एनजाई चिल्लाकर कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या जो ऐसी बातें कहती हो, वो लोग बहुत खतरनाक है, इट्स ओके यार चिंता मत करो, जस्ट मेरे पर छोड़ दो ये सब, मैं कर सकता हूँ ये अपने आप से। ये बोलकर एनजाई वहां से चले जाता है। वही वो लड़की अब बैठ कर रोने लग जाती है और अपने आप से कहती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है और ऐसी चोटें जो उसके मुंह पर तक हैं इनके साथ तो बिल्कुल नहीं। तभी वहां पर साकुरा आ जाता है और उस लड़की से पूछता है, हे
क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, ये सब चीजें जो उसके साथ चल रही हैं। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो अंजाई का क्लासमेट है। अब वो लड़की उनका पास्ट बताती है कि अंजाई और वो बचपन के दोस्त हैं, और उसी समय के दौरान उन दोनों को एक बच्चा ज्वाइन करता है जो कि नगाटो था। ये तीनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे, इन्होंने साथ मस्ती करी है। अब वो नगाटो के बारे में भी बताती है कि वो एक मैच्योर और काइंड लड़का है। उनके जूनियर हाई के ग्रेजुएशन के बाद वो तीनों अलग अलग स्कूल चले गए, पर उसके बावजूद भी वो बेस्ट फ्रेंड्स रहे। एक दिन अचानक से उसे एंजाई पार्क पर मिलता है, जहाँ पर वो तो बहुत खुश होती है उसे देखकर, बट एंजाई टेंशन में था उस टाइम, और इसी टेंशन में वो उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसे उसी दिन कील नाम की टीम का एक मेंबर मिला था जो कि चोरी कर रहा था। तो उसे चोरी करता देख एंजाई ने उसे पकड़ा और देखा कि वो उसी का दोस्त नगाटो है। ये सुनकर तो वो लड़की बिल्कुल विश्वास नहीं करती, एंड इसके बाद से एंजाई ट्राई कर रहा है उसे वहां से छुड़ाने का, जिसमें वो हर दिन मार खाकर वापस आता है। ये सब बोलते बोलते वो लड़की रोने लग जाती है। तभी साकुरा उससे एकदम से कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रही है अपने दोस्तों को ऐसी हालत में देखकर भी, वो कितनी पावरलेस है। ये देखकर साकुरा फिर कहता है, चलो ठीक है, मुझे बस उस नगाटो नाम के लड़के को सिर्फ इस झमेले से बाहर निकालना है ना, राइट। ये सुनकर वो लड़की वापस कहती है, क्या बट एंजाई ने कहा था कि वो तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। जिस पर साकुरा वापस कहता है, शीश यार, कर दूंगा मैं ये सब फिक्स, आखिर मैं उसका क्लासमेट जो हूँ और मेरे पास तुमसे ज्यादा ताकत भी है, सो तुम अब ये सब मेरे पर छोड़ सकती हो। ये सुनकर वो लड़की खुशी के आंसू के साथ कहती है, तुम सही में एक अच्छे इंसान हो, थैंक यू। इसके बाद हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सीधा साकुरा की क्लास पर, जहां पर वो घुसता ही है और उसे सब लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो अंदर आकर ही देखता है कि एंजाई बाकी सबको भी अपनी चोटों का वही सेम बहाने वाली कहानी दे रहा होता है जो उसने उन्हें सुनाई थी। तभी सुओ एकदम से साकुरा से पूछता है, क्या तुमने कल एंजाई से बात करी। इस पर साकुरा नकारता ही है कि तभी उनकी क्लास में बाहर से एक लड़का आता है एक चिट्ठी के साथ जो कि एंजाई के लिए होती है। एंजाई उससे पूछता है कि ये किसने दी है, जिस पर वो लड़का कहता है, जब मैं घर से स्कूल की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक हुडी वाले लड़के ने मुझे ये दिया और कहा कि मैं ये तुम्हें दे दूं। ये हुडी वाला शब्द सुनते ही एंजाई का मुंह उतर जाता है। दूर से ये चीज साकुरा और बाकी सब भी देख लेते हैं। तभी एंजाई जैसे ही चिट्ठी को देखता ही है कि वो सीधा वहां से बाहर की तरफ भागता है। साकुरा भी उसका पीछा करता आया उसे रोकते हुए और सीधा सीढ़ियों से नीचे उसके मुंह के सामने कूद जाता है। एंजाई उससे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए आखिर, मेरे रास्ते से हटो। फिर एकदम से साकुरा कहता है, मैंने कल तुम्हारी और उस लड़की की सारी बातें सुन ली थी। ये सुनते ही एंजाई रुक जाता है और साकुरा तभी उसके हाथ से वो चिट्ठी छीन लेता है जिसके अंदर एक नगाटो की पिक है और कील वालों ने उसकी बहुत बुरी हालत कर रखी है। ये देखकर साकुरा बहुत गुस्से में आ जाता है। इसके बाद साकुरा उसे सब कुछ बताने को कहता है और तब एंजाई उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी ऐसी हालत अभी तक कील ही कर रही थी। कील वालों ने उसके दोस्त को फंसा रखा है अपने पास और उसी को मारकर वो उससे चोरी वगैरह करवाते हैं, एंड अब एंजाई को कैसे भी करके अपने दोस्त को वहां से निकालना है। साकुरा फिर कहता है, आई सी, चलो चले फिर। तभी एंजाई फिर से वहां वही सब कहने लग जाता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और फंसे इसमें। फिर से साकुरा कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके अगेंस्ट है और मैं कोई फ्यूरिन के मेंबर की वजह से वहां नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैंने एक लड़के को प्रॉमिस करा है नगाटो को वहां से बाहर निकालने के लिए, और इन्वॉल्व से क्या मतलब है तुम्हारा, ये मेरा पर्सनल पिक भी है। तभी यही ये सब सुनकर एंजाई के ऊपर से सारे क्लास के बच्चे भी आ जाते हैं जो तैयार है भिड़ने को। सभी वही मिलकर एंजाई को हौसला देते हैं कि वो सब मिलकर ये सब कर सकते हैं और वो बस अपने एक दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं। ये सुनकर एंजाई का रोने वाला मुंह जाता है। वही तभी सुगिशता भी आ जाता है क्योंकि सुओ ने उसे पटा लिया है उमिया के नाम से। एंड फाइनली अब ये सभी लोग निकल पड़ते हैं कील के बेस की तरफ। ऊपर से खिड़की से सेकंड ईयर वाले भी उन्हें जाते हुए देख लेते हैं। एंड इसी सस्पेंस के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉयफ्रेंड फर्स्ट ईयर्स वर्सेस कील गैंग देखेंगे जो कि आई बेट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मिस मत करना। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।